धनबाद के विभिन्न जगहों में लगातार हो रहे बिजली की कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात की और समाधान को लेकर वार्ता किया। तपती गर्मी में आम जनों के साथ साथ व्यवसायियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए झरिया, सिंदरी और धनबाद के बिजली विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सभी समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा किया गया। बिजली समस्या को लेकर आए राजीव शर्मा ने बैठक के बाद बताया कि झरिया, सिंदरी समेत धनबाद के कई जगहों पर बिजली आपूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है। इसी को लेकर JBVNL के महाप्रबंधक हरेंद्र सिंह एवं झरिया तथा धनबाद के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ समाधान पर बात की गई, जिसमें सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द बिजली निर्बाध हो तरीके से मिलेगी, साथ ही लो वोल्टेज की भी समस्या से निजात मिल जाएगा। धनबाद और झरिया डिवीजन की समस्याओं को लेकर आज हम लोग मिले थे। इसमें मुख्यतः सिंदरी क्षेत्र में जो वोल्टेज की समस्या है, 50-60 वोल्टेज आ रहा है, इसके चलते सिंदरी वासियों को बहुत समस्या आ रही है और वहाँ पे कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, बिजली के उपकरण समाप्त खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतना होने के बाद भी विभाग के जो परिय पदाधिकारी उस क्षेत्र में रहते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो आज इस विषय पर खुल के वार्ता हुई है। एक अच्छी बात इस बीच में ये भी हुई थी, जिसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता भी की थी, कि सिंदरी क्षेत्र के पूरे क्षेत्र का 3.3 से 11 केवी में करीब 43 करोड़ की लागत से वो विद्युत का दोहरीकरण उसका पूरा किया जाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने इनको बधाई भी दिया है, धन्यवाद भी दिया है कि इन्होंने कम समय में उस काम को किया है, लेकिन अभी वो मामला अटका पड़ा DMFT फंड के चलते। तो आश्वासन मिला है कि उपायुक्त महोदय से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में जल्दी इस पर फंड एलोकेट कर दिया जाएगा, जिससे वहाँ की बिजली की व्यवस्था में सुधार होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक जो रही वो सफल रही। अब आपको मैं एक एक करके बताता हूँ, जैसे सिंदरी में मामला हुआ, दूसरी बात है कि सिंदरी में जो वोल्टेज की अभी तत्काल में लो वोल्टेज समस्या है, उसमें कुछ क्षेत्रों में वहाँ पे 11 KV की लाइन है। हम लोगों ने यह सुझाव दिया कि उन लाइनों पर लोड बढ़ाया जाए, इससे 11 KV पे लोड आने से 3.3 पे के लोड कम हो जाएगा और वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाएगा। ये तो रही सिंदरी की समस्या। दूसरा झरिया की समस्या जो बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसमें मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे 24 घंटे में बिजली मिल रही है, उसके संदर्भ में वहाँ आया कि 3 RMU स्विच थे जिसमें 2 खराब हैं। आप सब मीडिया बंधु जानते हैं इस बात को। इन्होंने आज वहाँ के एक्सक्यूटिव इंजीनियर भी आए थे, हम लोगों ने सारे क्षेत्र के एक्सक्यूटिव को भी बुलवाया था, तो उसमें ये बात हुई कि संडे तक वो RMU स्विच बदल दिए जाएंगे, उसकी जगह नए दूसरे स्विच लगा दिए जाएंगे और वो रिपेयरिंग में चला जाएगा, तो उससे कुछ हद तक स्थिति सुधरने की उम्मीद है। तीसरी एक बड़ी बात है जो निकल के बाहर आई कि DVC जो है बिना बोले बिना सूचना दिए लाइन काट रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग DVC के कमांड एरिया में रहते हैं और DVC का ये जो रवैया है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं हो कि जो बंदूक आज के दिन जो बात बिजली विभाग की तरफ उठी हुई है, वही लाइन हम उठा करके DVC की तरफ करें और DVC के लोगों का चलना दुभर करें। हम लोग आने वाले समय में ऐसा ही करने जा रहे हैं। DVC के जितने सबस्टेशन है, ऐसा नहीं हो कि हम लोग हर क्षेत्र के लोग निकलें और DVC के उन क्षेत्रों का घेराव शुरू कर दें, क्योंकि DVC लाइन काटने के समय न पहले से कोई इन्फॉर्मेशन देती है, न कुछ बात करती है, जब मन होता लाइन शट डाउन कर देती है, जिससे पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उसके अलावा जो बातें हैं कि धनबाद क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिजली की विशेष प्रॉब्लम है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम उन क्षेत्रों में जो जो कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे। अभी अर्थिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो अर्थिंग को स्ट्रेंथन करने की इन्होंने बात की पूरे धनबाद झरिया डिवीजन में, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा। तो मोटा मोटी बात ये हुई है कि आने वाले समय में, अगले कुछ समय में सुधार होने की उम्मीद है। एक बड़ी बात जो आज GM साहब ने बताई है, वो ये बताई कि झरिया क्षेत्र में 55% का ट्रांसमिशन लॉस है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बिजली की चोरी है। तो हम आपके माध्यम से अपील करेंगे, जो लोग इस तरह के कामों में लिप्त हैं वो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जो बिजली बिल का भुगतान देके बिजली ले रहे हैं। तो मेरी आग्रह होगा उन लोगों से कि ऐसी स्थिति से बचें, और कनेक्शन लेने में कोई परेशानी आ रही हो तो हमारी टीम हर क्षेत्र में है, हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि उनको मदद करें, उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाए और वो लेजिटिमेट तरीके से अपने कनेक्शन को सुचारू रूप से चलाएं, जिससे कि लोगों को परेशानी कम से कम। वहीं बिजली विभाग के महाप्रबंधक हरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी समस्याओं को सुन लिया गया है, संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया है। DVC से अगर जरूरत के अनुसार बिजली मिलती रहे तो सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। झरिया और सिंदरी में अभी जो समस्या चल रही है बिजली को लेकर, उसके सुधार के लिए कई योजना का कार्य चल रहा है। DMFT फंड से राशि मिलते ही स्थायी समाधान निकल जाएगा। आज की बैठक में झरिया और सिंदरी का विद्युत व्यवस्था पर चर्चा किया गया। लोगों को कहना था कि हमें जो बिजली कम मिल रही है,
उस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। चर्चा में ये बात उभर कर भी सामने में आया कि DVC के द्वारा जो है कम बिजली की सप्लाई की गई, जिसके कारण जो है उस अनुपात में बिजली नहीं मिल सका। फिर भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा बताया गया कि झरिया में अभी भी जो है औसतन 17 से 18 घंटा 19 घंटा बिजली आपूर्ति की जा रही है। बाकी कुछ उनकी जो निजी शिकायतें थी, खास कर एक दो स्विच जो उनका अभी तक जो बदला नहीं जा सका, उसके बारे में उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया विभाग का, तो हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं काम करवाने के लिए। मैंने अपने लोगों को निर्देश दिया है कि जो है एतवार तक उसका जो है RMU का दोनों जो खराब स्विच है उसको बदल कर उसको ऑपरेटिव बनाए। साथ में उन लोगों का सिंदरी की भी कुछ समस्या थी, सिंदरी के भी समस्या के लिए हम लोगों ने एक सिंदरी पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन का रिवैम्पिंग एक DPR मैंने बना कर माननीय उपायुक्त महोदय को दिया गया है, और जैसे ही निधि की प्राप्ति हो जाती है वैसे ही वहाँ सिंदरी में भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाने का काम शुरू हो जाएगा। वोल्टेज की समस्या सर बहुत खराब है, बिल्कुल वोल्टेज की समस्या जो सिंदरी की थी उसी की बता रहा हूँ। अभी जैसे कि वहाँ का जो भी जो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि सिंदरी में पहले सप्लाई करता था FCI, और FCI के जितने ट्रांसफार्मर थे वो थे, उनका जो वोल्टेज लेवल था उनका था 33/440, जबकि हमारे यहाँ जो हमारे बिजली विभाग में जो भी ट्रांसफार्मर है उसका जो वोल्टेज लेवल होता है 11 kV/440। इस वजह से भी टेक्निकली प्रॉब्लम था, अगर उनका कोई ट्रांसफार्मर में ख़राबी भी आ जाता है हम चाह के भी अपने ट्रांसफार्मर से बदल नहीं सकते, क्योंकि मेरा 11 kV/440 का वोल्टेज का मेरा होता है ट्रांसफार्मर, जबकि वहाँ लगा हुआ है FCI का 33/440। तो इन सब चीज़ों का है बहुत, और ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हम लोगों ने एक DPR तैयार करके मैंने विभाग को भेजा था। विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद फंड के लिए DC महोदय को भेजा गया, भाई धन्यवाद महोदय जो है DFT का जो अगर जैसे ही बैठक होती है उससे जैसे ही निधि प्राप्त होता है फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बिजली चोरी की बात आई मीटिंग में सर, हाँ बहरिया में कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की चोरी लोगों के द्वारा की जा रही है, तो हमने अपने एग्जीक्यूटिव को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और हम लोग उसका प्लान तैयार कर रहे हैं कैसे क्या करना है कब करना है।